एनटीपीसी सिंगरौली परियोजना आवासीय परिसर स्थित विद्युत विहार कॉलोनी के चूल्हा गेट को प्रबंधन द्वारा बंद किए जाने से आक्रोशित लोगों ने शनिवार को ग्राम प्रधान हीरालाल व बसपा नेता पन्नालाल के नेतृत्व में जाम लगाया। मौके पर पहुंचे पुलिस ने प्रबंधन से वार्ता कर हल निकालने के आश्वासन पर जाम समाप्त किया, जिसमें कोरोना काल के समय परियोजना प्रबंधन ने आवासीय परिसर के सभी गेट को बंद कर केवल एक गेट खोला, जिससे सभी लोगों का एक ही गेट से आवागमन हो रहा था। बाद में कोरोना का प्रकोप खत्म होने के बाद धीरे धीरे सभी गेट खोल दिए गए, लेकिन चूल्हा गेट को नहीं खोला गया, जिससे व्यवसायियों सहित परियोजना कर्मियों में आक्रोश व्याप्त। लोगों का कहना है परिसर के अंदर बैंक, पोस्ट ऑफिस, स्कूल, रोडवेज, बस स्टैंड एवं बस स्टैंड मार्केट चूल्हा गेट के पास होने के कारण सभी लोगों के आने जाने में सहूलियत रहती, लेकिन परियोजना प्रबंधन अपनी हठधर्मिता पर अड़ा। इसी बीच फोर लेन सड़क निर्माण के समय आवासीय परिसर की बाउंड्री टूट के, जिससे लोगों का आवागमन फिर से शुरू हो गया, जिसको देखते हुए प्रबंधन ने शनिवार को चूल्हा गेट बंद करने के लिए निर्माण सामग्री गिरा दी। इसकी जानकारी होते ही ग्राम प्रधान हीरालाल, बसपा नेता पन्नालाल के नेतृत्व में व्यवसायियों सहित दर्जनों की संख्या में लोग पहुंच कर गेट बंद कर धरने का विरोध करते हुए जाम लगाने लगे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। पुलिस ने प्रबंधन से बातचीत की, बाद में तय हुआ कि एक प्रतिनिधि मंडल परियोजना के प्रशासनिक भवन प्रबंधन से शाम को वार्ता होगी। वार्ता के दौरान हल निकालने की कोशिश की जाएगी, तब तक गेट बंद करने की योजना को स्थगित किया जाता है। सोनभद्र के शक्तिनगर से उमेश सागर की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।